हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं, ठीक है। गर्मियों के तो काफ़ी सारे वीडियो डाल चुके हैं, है ना? आप देख भी रहे हैं, काफ़ी तो बहुत अच्छा लग रहा है। और ट्रेनिंग का मैं बहुत जल्दी इंतजाम बना रहा हूँ, काम जोरों पे चल रहा है, ठीक है। तो जैसे ही होता है मैं आप लोग को बताऊँगा। तो आज सोचा कि थोड़ा सा नॉलेज बढ़ा दें आप लोग की। तो एनपीके बहुत नाम सुना होगा ना, या अलग अलग बोल दूँ, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। तो अब हम लोग कई बार हाइड्रोपोनिक खेती करते हैं, हाइड्रोपोनिक्स में चीज़ें लगाते हैं, लेकिन हमको पता ही नहीं चलता है कि किस चीज़ की कमी हो रही है। फ्रेंड्स, हाइड्रोपोनिक्स में, बल्कि रादर ये कहूँ कि जो प्लांट्स होते हैं उसमें कई न्यूट्रिएंट के, मैक्रो हो चाहे आपके सेकेंडरी हो, चाहे आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो, कई के लक्षण काफ़ी कुछ सिमिलर हो जाते हैं। तो ये आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल होता है, मतलब समझना बहुत मुश्किल होता है कि किस कारण क्या हो रहा है। तो इसीलिए बहुत बैलेंस डाइट दी जाती है कि हर बार चेक नहीं किया जा सकता है कि क्या कमी हो रही। फिर भी मैं आपको कुछ लक्षण बता दूं कि अब ऐसे तो फिर बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा कि अगर मैक्रो, सेकेंडरी और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के सबके बारे में बताऊं। तो अभी मैं आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये तीन मैक्रो लेवल के हैं, प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं जो प्लांट को प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो मान लीजिए आपका कोई प्लांट चल रहा है, तो आप मोटा मोटा तो कम से कम जान ही जाएंगे कि इसमें ये दिक्कत आ रही है, और अगर वो दिक्कत आपको दिख रही है तो फिर उसका सॉल्यूशन निकलता है, ठीक है। ट्रेनिंग में ये सब चीज़ें थोड़ी डिटेल में बता दी जाएंगी, और यूट्यूब पर भी बताऊँगा, वो कोई इशू नहीं है। तो वहाँ पे आप लगातार क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, नाइट्रोजन की बात पे आते हैं। नाइट्रोजन सबसे जल्दी पता चलता है, आपने कोई प्लांट लगाया है और अगर उसमें आप देख रहे हैं कि पत्तियाँ छोटी छोटी हो रही हैं, जो नॉर्मल साइज है जो आपने देख रखा है, सपोज टोमेटो आपने, या स्पिनच हो गई, या चिली हो गया, लेटस हो गया, तो अगर उसकी पत्तियाँ छोटी छोटी, लीफ छोटी छोटी आपको दिख रही हैं और थोड़ा पीलापन आ रहा है उनमें, तो ये हो सकता है काफ़ी कारण है कि नाइट्रोजन की वजह से हो, कि नाइट्रोजन आप जितनी उसको रिक्वायर्ड है उतनी नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं, तो उसके कारण ये होने लगता है। नाइट्रोजन सही मात्रा में रहेगी फ्रेंड्स तो उसमें लीव्स का साइज नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा होने लगता है, और हमको ज़्यादा नहीं रखना है, नॉर्मली रखना है। प्लांट को कभी इस तरीके से न्यूट्रिएंट नहीं देने चाहिए कि उसमें कोई अबनॉर्मल ग्रोथ हो। कोई भी चीज़ आप बढ़ाएंगे तो उसका असर दूसरी जगह जाएगा। हाइड्रोपोनिक्स में इसीलिए सब लोग आए हैं कि यह बैलेंस डाइट हम दे सकते हैं प्लांट को, ठीक है। तो इस तरीके से आपको नाइट्रोजन का पता चल रहा है। बहुत बड़ा रोल होता है नाइट्रोजन का प्लांट की ग्रोथ में, जो आपको इतना हरा भरा प्लांट दिखता है, प्लांट बढ़ता है। नाइट्रोजन का एक बात बता दूं, जो प्रोटीन होता है, हम लोग भी प्रोटीन खाते हैं, तो जो प्रोटीन होता है वो नाइट्रोजन से ही बनता है। और भी चीज़ें होती हैं उसमें एलिमेंट, बट नाइट्रोजन उसमें प्राइमरी लेवल की होती है। दालों में जैसे प्रोटीन होता है तो वो नाइट्रोजन के कारण ही होता है, ठीक है फ्रेंड। ये तो हो गई नाइट्रोजन की बात। अब आते हैं फास्फोरस, NPK, पी स्टैंड्स फॉर फास्फोरस। फास्फोरस की कमी कैसे पता करें? पहले मैं फास्फोरस का रोल बता दूं, आप धीरे आराम से समझ जाएंगे। फास्फोरस बेसिकली ऐसे तो बहुत काम करता है, रूट्स का डेवलपमेंट करता है और भी कई तरीके की चीज़ें करता है, लेकिन जो मेन रोल होता है ना फ्रेंड्स, फास्फोरस फोटोसिंथेसिस को स्टिमुलेट करता है। स्टिमुलेट मतलब
प्रेरित करता है प्लांट को, फोटोसिंथेसिस हो। फोटोसिंथेसिस से होता क्या है कि जो फूड बनता है, मतलब प्लांट में स्टोमेटा होते हैं, वो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड, स्टोमेटा समझते हैं छोटे छोटे छेद, कई बहुत लेंस से देखिएगा, नज़दीक से छोटे छोटे छेद दिखेंगे आपको, उसी से वो सांस लेते हैं। तो वो स्टोमेटा से कार्बन डाइऑक्साइड इंटेक करते हैं, रूट्स से वाटर और न्यूट्रेंट्स उठाते हैं, ये सब जाके वहाँ पे पत्तियों में मिलते हैं जाके। जब तो जो सनलाइट होती है, या आपने अगर इंडोर कर रहे हैं तो ग्रो लाइट होती है, तो ऐसे एंजाइम्स पैदा होते हैं, तो फोटोसिंथेसिस होता है, जिसके लिए प्लांट में जो क्लोरोफिल होता है वो जिम्मेदार होता है। तो ये जो मैग्नीशियम होता है वो क्लोरोफिल को बहुत सपोर्ट करता है, इसीलिए प्लांट में फास्फोरस की डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए। तो फ्रेंड होता क्या है कि जब मैग्नीशियम की कमी हो जाती है तो प्लांट को चाहिए अपना फूड बनाने के लिए, तो वो लीव्स को डार्कर करना शुरू कर देता है, एबनॉर्मल आपको डार्क दिखने लगेंगी लीव्स। तो वो जब डार्क दिखने लगेंगी तो उससे होगा क्या कि प्लांट की एनर्जी वहाँ लग रही हो, प्लांट धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है, इसलिए फास्फोरस का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो ये तो हो गई बात फ्रेंड्स फास्फोरस की। पहले एक चीज़ बता दो, प्लांट के लिए सब चीज़ें ज़रूरी होती हैं, कुछ चीज़ें उसको हवा से मिल जाती हैं, कुछ आपके वाटर से मिल जाती हैं, जैसे हाइड्रोजन हो गई, ऑक्सीजन हो गई, या आपके पानी से मिल जाती हैं, कार्बन हो गया, या आपके एटमॉस्फेयर से हवा के रूप में मिल जाती हैं, बाकी चीज़ें हम लोग को देनी पड़ती हैं। उसमें सॉइल में रहता है तो सॉइल सब उठा लेता है, हाइड्रोपोनिक्स में रहता है तो उसको वो चीज़ें उस आपके न्यूट्रेंट से देनी पड़ती हैं। एक क्लोरीन की भी बात आती, थोड़ा सा बता दूँ फिर मैं बताता हूँ पोटेशियम के बारे में। क्लोरीन के लिए जनरली जो बहुत एडवांस ग्रोअर होते हैं हाइड्रोपोनिक्स के, तो वो तो क्लोरीन का कुछ ट्रीटमेंट करते हैं, आप लोग को उसके लिए कोई बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। क्लोरीन थोड़ी सी मात्रा में वाटर में डिजॉल्व रहती है और उससे काम चल जाता है प्लांट का, ठीक है। पर अब आते हैं हम पोटेशियम पर, बहुत अच्छा रोल है, मैं पहले भी कुछ वीडियो में बता चुका हूँ पोटेशियम क्या क्या करता है। ये नर्वस सिस्टम एक तरीके से प्लांट का है, उसको मेंटेन करता है, स्टोमेटा टाइम से खुले बंद हो उसको मेंटेन करता है, तो अगर वो टाइम से खुलेंगे बंद नहीं होंगे तो प्लांट अच्छी तरह चलेगा नहीं। जो कलियां निकलती, बड्स निकलती हैं, जब फ्रूटिंग हो रही होती है उस समय इसका रोल सबसे ज़्यादा हो जाता है। तो अब फ्रेंड क्या करें, कैसे पता करें कि पोटेशियम की डेफिशिएंसी आ रही है कि नहीं आ रही है, तो उसके लिए क्या करें, जब आप किसी प्लांट को देखते हैं उसमें जो पुरानी टाइप की लीव्स हैं आपकी, ओल्डर लीव्स, उनमें आपको कुछ लीव्स में ऐसा दिख रहा है कि ब्राउन कलर के स्पॉट हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि वो किनारे से जली जली सी महसूस हो रही है, तो वो आपको पता चल जाएगा। फ्रेंड्स थोड़ा सा इसमें रोक रहा हूँ क्योंकि एक चीज़ मेरे दिमाग से स्किप कर गई थी, नाइट्रोजन की कमी कुछ प्लांट्स जैसे टोमेटो है स्पेशली, वो लोग बता देते हैं कि नाइट्रोजन की कमी, आप उसके स्टेम को चेक कर लीजिएगा, स्टेम को जब चेक करेंगे तो वो थोड़ा सा अब नॉर्मल कलर होता है उसका, ठीक है, तो हल्का सा ब्लूइश कलर वो कलर आने लगता है उसमें। तो चलिए मेन चीज़ पे चलते हैं, पोटेशियम की बात कर रहा हूँ, तो वो आपको स्पॉटेड मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये केवल पोटेशियम की वजह से ही होता है, बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण भी ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन जो मेजर रोल है वो इसी का ही होता है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इस तरीके के लक्षण आ रहे हैं, पत्तियाँ जो पुरानी पत्तियाँ हैं उनमें भूरी भूरी होकर बीच में सूखी हुई हैं, किनारे से पत्ती पूरी हरी है और बीच में सूख रही है पत्ती, पीले रंग के पड़ रहे हैं, स्पॉट पड़ रहे हैं, फिर ब्राउन हो जाते हैं, तो
आप समझ लीजिए कि पोटेशियम की प्रॉब्लम है। तो इस तरीके से आप इनका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आपको ज़्यादा सीखने मदद लगेगी। और फ्रेंड, काफ़ी वीडियो डाल चुका हूँ, आप लोग समझ गए होंगे कि इतना आसान नहीं है। 6 इंच का प्लांट कर लेना तो ठीक है, लेकिन उसके बाद अगर बहुत ज़्यादा आपको अच्छी फ्रूटिंग चाहिए, एडवांस फ्रूटिंग चाहिए, तो बहुत अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा। तो अगर फ्रेंड्स ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप लोग का बहुत कोऑपरेशन मिल रहा है, मुझको बहुत अच्छा लगता है। और बहुत समझदारी से लोग देखते हैं, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। अच्छे कमेंट का मतलब ये होता है कि वो वीडियो को देख के कमेंट कर रहे हैं। कुछ व्यूअर्स ज़रूर कमेंट कर देते हैं, उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर किसी में कमेंट करें तो पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट करें। वीडियो चल रहा है, 1 मिनट हुआ 2 मिनट हुआ, आपने उस पर कमेंट कर दिया, हो सकता है मैं उस बात को आखिरी में बता रहा हूँ। और कोई भी वीडियो देखिए, जब खाली समय हो तब देखिए, लेकिन जब देखिए पूरा देखिए, क्योंकि मैं बीच बीच में बातें बताता जाता, कोई स्क्रिप्ट तो लिखता नहीं है। तो हो सकता है शुरू के 2 मिनट में वो टॉपिक बोला हो और कोई बात स्किप कर गई हो, तो 8वें मिनट में जाके बता रहा हूँ, है ना फ्रेंड्स। ठीक है, मजे लीजिए, अच्छे से हाइड्रोपोनिक फार्मिंग करिए। और अगर आप लोग चाहेंगे तो ऑर्गेनिक के भी डालूँगा वीडियो, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, जैसा रिस्पॉन्स मिलेगा तो फिर वो भी करूँगा। ऑर्गेनिक मतलब सॉइल बेस्ड। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।